आप हैं जहां, न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये मासूम से दिखने वाले शातिर चोर है। इन चोरों ने साइबर सिटी में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस की माने तो यह सभी चोर दिन में कबाड़ी का काम करते हुए बंद घरों एवं फैक्ट्रियों की रेकी किया करते थे और रात को वारदात को अंजाम दे फरार हो जाते थे। क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने के साथ पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं ACP क्राइम की माने तो थाना भोंडसी में शिकायत मिली थी कि सुवास्तिका पिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से लगभग 1000 एल्युमिनियम वायर बॉक्स और लगभग 20 से 25 केजी कॉपर वायर चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की तो क्राइम यूनिट सेक्टर 31 को इस मामले में 6 आरोपियों की जानकारी मिली, जिन्हें पुलिस ने काबू कर पूछताछ शुरू की तो चौंकने वाले तथ्य सामने आए। आरोपियों की पहचान जावीर, सत्तार अली, मंसूर, मोहम्मद फिरोज, दिनेश वह फरमान उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में मालूम चला कि आरोपी फरमान उर्फ गुड्डू एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता है तथा अन्य सभी आरोपी फेरी लगाकर कबाड़ी का काम करते हैं। छह सदस्य पकड़े गए हैं, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ रिकवरी हुई है? ये दिनांक 19/3/2022 को एक सुवास्तिका प्रिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भोंडसी थाने के इलाके में गामडोज में स्थित है। तो उस कंपनी में लगभग 1000 किलो एल्युमिनियम चोरी हुआ और वहाँ से कुछ कॉपर भी चोरी हुआ और भी ये इन्वर्टर बनाने की कंपनी है और उनका जो ट्रांसफार्मर विभाग है उसमें से और भी सामान इस तरह का चोरी हुआ। तो इस संबंध में FIR दर्ज की गई भोंडसी पुलिस स्टेशन में और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचार्ज इंस्पेक्टर आनंद की टीम ने काम करते हुए तो कुछ ही घंटों में उसमें जो शामिल लोग थे उनको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसमें हेड कांस्टेबल सरवन जोन की टीम का इस इन्वेस्टिगेशन का मुख्य रोल अदा किया है और इनको गिरफ्तार किया है। इसमें हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम जावीर अली, सत्तार अली, मंसूर, मोहम्मद फिरोज, दिनेश और फरमान उर्फ गुड्डू। ये आदमी हमने गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि अब तक हम दर्जनों चोरी कर चुके हैं। जो बंद घर होते हैं या फैक्ट्रियां होती हैं उनकी हम दिन में रेकी करते हैं, ये कबाड़ी का काम करते हैं। इनमें से 5 लोग जो कबाड़ी का बुनने का काम होता है उस तरह के उसमें रेकी कर लेते हैं, एक इनमें से ड्राइवर का काम करता है और फिर रात को ये चोरी को अंजाम देते हैं। हमने इन्होंने इस चोरी के अलावा और भी कई वारदात गुड़गांव में करनी इन्होंने स्वीकार की हैं और ये चोरी के समय एक अवैध हथियार भी अपने साथ रखते थे ताकि इनको अगर कोई आदमी पकड़ने की कोशिश करे तो उसका ये प्रयोग कर सकें। हमें इनके कब्जे से एक हथियार भी बरामद हुआ है जिसको रिकवर किया गया है और आज इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड हम मांग रहे हैं कोर्ट से और उसके बाद बाकी रिकवरी इनसे की जाएगी। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी पहले भी कई बार चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और करीब 1 दर्जन चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर ले पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट।